48वां स्वर्ग। उत्तम वैराग्य दृढ़ होने पर पुरुष की जिन लक्षणों से स्थिति होती है तथा ज्ञान में निष्ठा हो जाने पर जिन लक्षणों से स्थिति होती है उसका वर्णन। सबसे पहले वैराग्य की दृढ़ता हो जाने पर पुरुष के जो चिन्ह होते हैं उन्हें बताते हैं। महाराज उस जी ने कहा, वज्र जब पुरुष को संसार से विरक्त उत्पन्न हो जाती है तब जब साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हो जाता है तब तत्वमसी आदि महावाक्यों का अर्थ बुद्धि द्वारा प्रभावित हो जाता है। जब भोगों की तृष्णा चली जाती है, जब विषय निरस बन जाते हैं, जब साधुता का उदय हो जाता है, जब प्रकाश में आत्मा सामने आ जाती है तथा जब हृदय में अपने उदय की पूर्ण भावना हो जाती है तब वह विवेकी पुरुष गणों को ऐसे नहीं चाहता जैसे अंधकारों को, और यदि वह पास में विद्यमान हो तो उसका ऐसे त्याग कर देता है जैसे गर्मे से एकदम सूखे उच्चिष्ट पत्तों का उपयोगी भी बर्तन आदि धो ले जाने में असमर्थ रखने के कारण जैसे पथिकों की दृष्टि से वे केवल पारभूत ही देखे जाते हैं वैसे ही विवेक पुरुष की दृष्टि से स्त्री बंधु आदि भी पारभूत देखे जाते हैं परंतु सहसा उसका त्याग नहीं कर सकता। यथाशक्ति और यथासमय धीरे धीरे उसका उपचार करता ही जाता है यानी छोड़ता जाता है। इंद्रियों में बार बार लगे हुए भी भोग रूप इंद्रियों के विषयों का वह अनुभव नहीं करता क्योंकि उसका मन अत्यंत शांत हो चुका है। उसका विस्तार करते हैं विवेकी जीव के एकांत स्थान में दिगंधों में सरोवरों में जंगलों में उद्यानों में पवित्र देशों में अपने ही घरों में मित्रों की विलासपूर्ण क्रीड़ाओं में सुंदर बाग आदि के भोजनों में शास्त्रों के तर्कपूर्ण विचारों में अज्ञानी की तरह दीर्घकाल तक आस्था बांधकर नहीं रहता या आसक्त न होने के कारण दीर्घकाल तक स्थिर नहीं रहता है अथवा कदाचित प्रारब्धवश उन स्थानों में रह गया तो भी वहां रहकर तत्ववेता पुरुष की खोज करता है क्योंकि वह पूर्णता पूर्ण शांत दांत अपनी आत्मा में रमने वाला मौनी एकमात्र विज्ञान रूप ब्रह्म की कथा में निरत रहता है। यो निरंतर अन्वेषण करने पर अवश्य आत्मा का दर्शन होता है और दूसरे उससे शांति मिलती है ये कहते हैं। इस तरह अभ्यास के बल से शांत विवेकी पुरुष स्वयं ही जल में निम्न मतलब नीचे के भाग के सदस्य परम पद में विश्रांति प्राप्त कर लेता है। वह परम पद कैसा है जहाँ पर विवेकी विश्रांति पाता है और किस तरह का निश्चय विश्रांति रूप बन जाता है इस पर कहते हैं। एकमात्र अज्ञानी इन बाह्य और अभ्यंतर दृश्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया है। अज्ञान कोई अलग पदार्थ है ही नहीं, इसलिए अज्ञान की शांति ही परम पद है ये आप जानिए। अथवा बाह्य और अभ्यंतर जितने अर्थ दिखाई पड़ते हैं वे आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार का अंतिम साक्षात्कारत्व जो निश्चय है वह यदि आपने स्वरूप भूत आत्मा में दग्ध लकड़ी की आग में आपके सदस्य शांत हो गया तो वही परम पद है। बोध रूप आत्मा के सिवा न तो कोई अर्थों का ज्ञान हो सकता है और न शून्य ही सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार की भीतरी अनुभव में विद्यमान सर्ववादों की अवधि भूत जो वस्तु है वह परम पद है। परम पद रूप जो वस्तु है वह न बोध रूप है न शून्य रूप है और न तो अर्थ रूप ही है वह, ये आप जान लीजिए। क्योंकि समस्त वस्तुएं पृथ्वी बोध के कारण एकरस होकर ही परिणत है। तात्पर्य है यह निकला है कि यदि वो बोध के विषय पर पदार्थ होते उसको लेकर बोध रूपता कह सकते हैं परंतु बोध विषय कोई पदार्थ तो त्रिकाल में भी नहीं है। इसी तरह अर्थ न होने के कारण अर्थ रूपता भी नहीं है। अर्थों की शून्यता को लेकर परम पद में शून्यता कैसे हो सकती है। परम पद में विश्रांति पा जाने पर विषयों की विरक्ति सिद्ध हो जाती है। यह कहते हैं मन शून्य मन की विषय विलय दशा को प्राप्त तथा आत्मतत्व साक्षात्कार रूप परम पद में विश्राम किए हुए महात्माओं को जो विषय ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मन शून्य पदार्थों को दूध
निरोध पद को प्राप्त यानी बहिर्मुख पुरुषों को आत्मनिष्ठा में रुकावट डालने वाले तथा अंतर्मुख पुरुषों को बाह्य निष्ठा में रुकावट डालने वाले परम पद में प्राप्त हुआ। मन से रहित मुनि के धर्मों से पूर्ण शारीरिक कार्यों में शिथिल आत्मज्ञानी महात्मा अपने स्वभाव में ऐसे निश्चल होकर स्थिर रहता है जैसे चित्र में अंकित पुरुष। उस समय उसका मन किस तरह का रहता है इस पर कहते हैं भद्र अवश्य जानने लायक आत्मवस्तु को जानने वाले उस महात्मा का मन अर्थ रहित है और संपूर्ण अर्थों से पूर्ण भी है क्योंकि तत्वतः सभी सद्रूप हो जा गए हैं। अनिश्चिन्न ब्रह्मरूप को हो जाने के कारण मान ही है और दुर्लक्ष होने के कारण परमाणु रूप है। अशून्य रूप होता हुआ भी शून्यात्म के कारण की अहंता जगत की इच्छा आदि देश और काल की कल्पना आदि तथा ज्ञाता और ज्ञान आदि जितने पदार्थ है वे सब उसी से तो हुए है। अतः तद्रूप होने के कारण शून्य रूप नहीं हो सकता और शून्य आदि भी उसी से ही हुए है अतः अशून्य रूप भी नहीं है। ऐसी स्थिति में तद्रूप से स्थित हुआ भी नहीं है ये कहा जा सकता है। संपूर्ण मलों से रहित आत्मपद में स्थित रह करने वाला ज्ञानी अपने हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को तथा बाहर के अंधकार को एवं राग द्वेष भय आदि को दीपक की तरह निकाल देता है। भद्र ऐसे पुरुष रूपी भास्कर को सूर्य को प्रणाम करना चाहिए जिसका कि समस्त अंश रजोगुण से शून्य है। सत्वगुण के प्रभाव से जो अज्ञान सागर से पार पा चुका है और जिसमें तमगुण का सर्वथा अभाव है। श्री रामचंद्र जी मैं आपसे क्या कहूँ जब वेद हट जाता है चित्त अदृश्य बन जाता है तब ज्ञानी को जो स्थिति होती है उसका वाणी से कथन हो ही नहीं सकता। वह महाबुद्धे रात दिन की उत्तम भक्ति से विरक्त चिरकाल के बाद प्रसन्न किया गया परमात्मा वर्णित परम पद रूप निर्वाण देता है दूसरा नहीं। तप के प्रभाव से ये ईश्वर की प्रसाद से मोक्ष मिलता है ऐसी श्रुति भी उक्ति भी है। श्री रामचंद्र जी ने कहा तत्वज्ञ में श्रेष्ठ मुनिवर कौन ईश्वर है और वह भक्त भक्ति से कैसे प्रसन्न किया जाता है ये बात मुझसे आप ठीक ठीक कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है महामते ईश्वर न तो दूरी पर ही है और न अत्यंत दुर्लभ भी है। महाबोध रूप एक रस अपनी आत्मा ही परमेश्वर है। ईश्वर उसे कहते हैं जो सबका नियंत्रण करने में स्वतंत्र हो। इस तरह स्वतंत्र सबके प्रति सभी प्रकार से अपनी आत्मा ही है इस विषय में युक्ति कहते हैं। सब कुछ आत्मा के लिए ही है। रथ घर महल आदि जितने अचेतन पदार्थ है वे सब चेतन के लिए ही है। आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु है ही नहीं। इसलिए सर्वोपभोक्ता रूप स्वतंत्रता आत्मा में ही आ गई उसी से सब कुछ हुआ है यानी सबका कर्ता वही है सभी कुछ वही सब कुछ है यानी आत्मा ही सबका उपादान और अधिष्ठान है। सभी और जहाँ दृष्टि डाले वहाँ पर वही नजर में आता है यानी संपूर्ण शक्तियाँ उसी में वही भीतर है यानी सूक्ष्म है वही सर्वोत्तम सर्वमय सर्वगत है वही सनातन है उस आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार हो। इसलिए श्रुति में बताई गई जन्मादि कारण उसमें है ये कहते हैं यद्यपि वास्तव में आत्मा कारण नहीं है तथापि कारण रूप भी उस आत्मा से पवन गतियों की ना ये सृष्टि प्रलय आदि विकार उत्पन्न होते हैं सबका आराध्य भी आत्मा ही है ये कहते हैं। ये जितने स्थावर जंगम पदार्थ है और ये जितने प्राणी हैं वे सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उपहार सामग्री प्रदान कर उन आत्मा का निरंतर पूजन करते हैं। जब अनेक जन्मों तथा ये आत्मा जन्मों तक ये आत्मा यथा भीमत इच्छा से पूजित होता है तब वह उससे प्रसन्न हो जाता है। जब अनेक सत्कर्मों से वह महादेव महेश्वर रूप आत्मा स्वयं प्रकाश हो जाता है तब पूजक के ही पास भावबोध देते पास बोध देने के लिए अपना पवित्र दूत तत्काल भेजता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनि परमेश्वर भी परमात्मा कौन दूत भेजता है और वह आकर बोध कैसा देता है इसका मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा भद्र आत्मदेव के द्वारा भेजा गया दूत जिसका नाम विवेक है और सदा आनंद देने वाला है उक्त पुण्यवान अधिकार की गोह हृदय गुफा में आकर आकाश में चंद्रमा की नाई स्थिर हो जाती है। यही विवेक नामक दूत क्रमशः वासना रूपी प्राणी को बोध
देता है और अविवेकी को इस संसार सागर से पार कर देता है। समस्त जगत का प्रकाश करने वाला आत्मरूप अंदर का आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, वासना रूप आत्मा नहीं। इसी परम परमेश्वर का बोधक देव वेद सम्मत प्रणव ओम है। जप होम तप दान वेद पाठ यज्ञ और क्रियाक्रमों से निरंतर इसी आत्मा को नर नाग देवता और दानव सब प्रसन्न करते हैं। इसी परम पिता परमात्मा का जो मस्तक है पृथ्वी पैर है, परमात्मा का धो मस्तक है पृथ्वी पैर है, तारे रोम है, भूत अस्थि है, आकाश हृदय है और यही सबका अंतरात्मा है। चैतन्यात्मा होने से वही सब जगत का है, चेतनात्मा होने से वही सब जगह जाता है, जागता है और देखता है। इसीलिए यही आत्मा लाखों हार पैर आत्मा लाखों हाथ पैर कर्ण चक्षु और पैरों का चारों ओर से धारण करता है। विवेक रूपी दूत को जगाकर और चित्त रूपी पिशाच का विनाश करो, यही चिदात्मा जीव को अपनी दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति पैदा कर देता है। भद्र समस्त संकल्प विकल्पों का विकारों का और अर्थ संकटों का परित्याग कर अपने ही पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए। जिसमें मनरूपी पिशाच घूम रहा है, काम क्रोध रूपी काले घनों मेघों के से जो सदा व्याकुल रहता है, ऐसे संसार रात्रि के घने अंधकार में अपना आत्मा ही पूर्ण चंद्रमा है। विवेक ही पार कर देने वाला है। इस बात को बतलाने के लिए संसार का समुद्र रूप से वर्णन करते हैं। अगाध एवं मरण रूप भ्रमरों में किल्लों से व्याकुल कोटरों से युक्त त्रुणारूपी तरंगों से तरल अपने मनरूपी जंजावतों से युक्त स्थावर आदि बड़े बड़े भूतरूप कर्ण जल कणों से व्याप्त संसार रूपी बड़ा विषम सागर इंद्रिय रूप मगरों से अति गहन है, उसको पार करने के लिए विवेक ही एक बड़ा भारी जहाज है। कहे गए प्रश्न उत्तरों का संक्षिप्त कर संसार करते हैं। पूर्व वर्णित शास्त्रविद पूजन से प्रसन्न हुआ आत्मा परम विवेक रूप परम पवित्र दूत भेज कर सत्संग शास्त्रों और परमार्थ वस्तु के उत्तम उपदेश द्वारा जीव को अद्वितीय निर्मल और उच्च सर्वोच्च पद पर प्राप्त करता है। 48वां सर्ग समाप्त।